मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों पर खुदा की सलामती हो। आज बहुत ही एक खूबसूरत दिन है। मैं शुक्रगुजार हूं पास्टर मुनीर मसीह खोखर साहब का कि उन्होंने हमें दावत दी कि इस खूबसूरत क्रिसमस सीजन के मौका पर आज हम उनके साथ हैं। आप लाइफ होप मिनिस्ट्रीज के चेयरमैन एंड फाउंडर हैं और इस मिनिस्ट्री की जो खिदमत है, ये जो बच्चे हैं खासतौर पर जो भट्टा मजदूर हैं इस जगह पर, ये पिछले 4 साल से अपनी खिदमत को सरंजाम दे रहे हैं। और इनका जो ख़ास कॉज है वो ये है कि जिस तरह से हम इस क्रिसमस के सीज़न में अपने घरों में अपने अजीज़ वकारब में खुशियां सेलिब्रेट करते हैं, तो क्यों ना हम इन जगहों पर जाकर इन लोगों में भी क्रिसमस की खुशियां बांटें। अभी हम मुलाकात करेंगे पास्टर चिराग रोशन साहब से और उनकी खिदमत के बारे में जानेंगे। आज हम खुश हैं कि हमारे साथ हमारे प्यारे भाई दोस्त पास्टर बाबर मैनुअल जो इस साल प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, उनके साथ हैं तारक प्यारा साहब, रिकॉर्डिंग पे हैं हम नेशनल न्यूज़नामा हर टीम के लिए के लिए और खासकर पास्टर जशवा के लिए शुक्रगुजार हैं। दुआ करते हैं कि खुदा इसी तरह और बढ़ते दे और हमारे बड़े मोहतबर और प्यारे भाई भी हैं, माधव भी हैं और हमारे बाबा जी हैं राम बाबा पास्टर सदीक साहब, ये बड़ी हमारी रहनमाई करते हैं, हमारी टीम है और नासिर भट्टी साहब हैं, पास्टर नज़ीर साहब हैं और बड़े प्यारे हैं और हम ईमान रखते हैं कि आज जितनी यहाँ टीम पहुँची है खुदा इसी तरह इस टीम को और इस्तेमाल करें और जो लोग बच्चे अभी तक जिनके पास यीशु मसीह की निजात का पैगाम नहीं पहुंचा, ईमान रखते हैं कि उन तक भी यीशु मसीह हमें लेकर जाएंगे ताकि वो बच्चे भी खुदा में यीशु मसीह की तालीम को सुने और अपनी जिंदगियां तब्दील करें। खुदा में यीशु मसीह के अजीम नाम में आमीन। जी भाई साहब, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मौका दिया कि हम आपके साथ आ सकें और सारी जो आप खिदमत कर रहे हैं उसको कवर कर सके। तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप यहाँ पर कब से खिदमत कर रहे हैं। जी बाबर भाई, मैं आपका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ और आपकी टीम का भी कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया यहाँ पर आने के लिए और इस सारे प्रोग्राम को कवर करने के लिए। आपने अपना टाइम निकाला, इंतहाई ही कीमती टाइम था आपका और आपने मुझे फिर भी टाइम दिया। मैं इसके लिए आपको और तारिक भाई को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए मेरे साथ। तो भाई साहब, इस बाबर भाई, आप इस हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि ये पिछले हम कई सालों से यहाँ पर आ रहे हैं भट्टों पर और ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि हम जो मुल्क के मुख्तलिफ भट्टे हैं, मुख्तलिफ शहर हैं, कसूर साइड पर भी जाते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं जो डिज़र्व करते हैं, जो क्रिसमस की खुशियों को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, जिनके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि वो क्रिसमस के लिए कुछ ख़रीद सकें, कुछ अपने लिए इंतज़ाम कर सकें, तो हम हर साल क्रिसमस पर जो ना ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर हम बच्चों के लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, उनके लिए कपड़े लेके जाते हैं, खाने का इंतज़ाम करते हैं और ना सिर्फ क्रिसमस पर बल्कि हम गाहे बगाहे जब भी हमें टाइम मिलता है, जब भी हमारे जब दोस्त हमारे साथ जो काम करते हैं जिनसे हम डोनेशन कलेक्ट करते हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि फलां जगह पे ये चीज़ की ज़रूरत है, तो वो फिर अपना तावन जो है वो हमारे साथ शेयर करते हैं और फिर उसके बाद हम जगह चूज़ करते हैं कि कहाँ पर जो ऐसे बच्चे डिज़र्व करते हैं हमें वहाँ पर जाना चाहिए। तो ये खुदावन की मर्ज़ी है, ये खुदावन का प्लान है, खुदावन ने मुझे ये रोया बख्शी है कि मैं ऐसे लोगों में जाकर खिदमत करूँ जिसको कहते हैं कि बे यारो मददगार हैं, क्योंकि ये लोग कर्ज़े में इतना फंसे होते हैं, कर्ज़ा ले ले के इतना वो अपने आप को इन्होंने दबाया होता है नीचे वो भट्टे मालकान के, कि इनका क्रिसमस के ऊपर कुछ भी सेलिब्रेट करना बहुत मुश्किल, मतलब कि इतने इनके पास वसाइल नहीं होते, इनके पैसे नहीं होते कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मतलब के जो सेलिब्रेशन है वो कर सकें। जी बिल्कुल ऐसे ही है, जब आप इनसे कभी विजिट करेंगे ना तो जब आप इनसे पर्सनल इनकी लाइफ के बारे में पूछेंगे तो आपको ये बताएंगे कि हमारे ऊपर 5 लाख का कर्ज़ा है, 10 लाख का कर्ज़ा है, 2.5 लाख का कर्जा है, 3 लाख का कर्जा है, यानी कि इस तरह से ये अपनी लाइफ को जो है ना वो गुजार रहे होते हैं और बहुत ही पस्तगी की हालत में ये गुजार रहे होते हैं अपनी लाइफ। तो मेरी ये कोशिश होती है कि हम हर साल इनके लिए कुछ ना कुछ जो है ना वो इंतज़ाम करें। उसके अलावा भी हम संडे स्कूल के लिए भी काम करते हैं, एजुकेशन के लिए भी काम करते हैं और अब हमारा प्लान है, हमारी कोशिश है कि जो इस तरह के जो बच्चे हैं हम उनके लिए कोई एजुकेशन का इंतज़ाम करें, स्कूल का इंतज़ाम करें। तो ये भाई साहब सॉरी, अच्छा मैं देख रहा हूँ कि ये गीत वगैरह और साथ में अभी इन्होंने दुआ भी की है, तो ये सारा कुछ आपने इन्हें बताया है या ऑलरेडी ये किसी मिनिस्ट्री का हिस्सा है? जी
इससे पहले कुछ माह पहले मैं इनको यहाँ पर संडे स्कूल का जो मटेरियल था वो देके गया था। टोटल सेसरी जो है ना संडे स्कूल की, उसमें वाइट बोर्ड था, पेंसिल थी, कॉपी थी, शॉपरन था, बल्कि बाइबल थी, मेरी बाइबल जो संडे स्कूल की बाइबल होती है वो भी थी। टोटल जो स्टेशनरी थी संडे स्कूल की, मैं इनको देके गया था। तो आप वीकली विजिट करते हैं यहाँ पे? जी, मैं वीकली इनके पास विजिट करता हूँ और मैं गाहे बगाहे आता रहता हूँ, उन्हें देखता रहता हूँ, क्योंकि टीचर का भी इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे यहाँ पर जो टीचर इनको संडे स्कूल करवाते हैं उनका भी इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो कौम के बच्चे हैं, जो इस तरह के बच्चे हैं, बाइबल की तलीम से ये बच्चे वाकिफ हो। जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि जब तक ये हमारी एज में हों इनको पता हो कि यीशु मसीह कौन था और उसने क्या किया। क्योंकि बहुत से मैंने खुद पर्सनली विजिट किया है कि लोगों को नहीं पता, अपनी तलीम के बारे में नहीं पता। तो ये आप जैसे और जो दूसरे पादरी साहबान हैं, वाकई ये बहुत एक ख़ास जो आपका पैशन है, एक ख़ास मकसद है कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करें, ख़ास तौर पर खुदा की तलीम के बारे में और यीशु मसीह को वो जाने कि क्यों वो इस दुनिया में आया। ऐसे ही है भाई साहब? जी बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं इसके लिए जो हमारी कम्युनिटी है, जो साहब हैसियत है, मैं चाहता हूँ कि वो सामने आए, अपने आपको पेश करें खिदमत के लिए और ऐसे बच्चों के लिए काम करें, उनके लिए उठें, काम करें, अपनी कौम के लिए काम करें। जैसे मूसा अपनी कौम के लिए उठा था, खुदा ने उसको उठाया था, और आप भी उठें, अपनी कौम के लिए उठें। देखें मेरे काफ़ी मुस्लिम दोस्त हैं, मैं जब उनको कहता हूँ ना तो वो कहते हैं जी क्रिश्चनों को हमारी ज़कात नहीं लगती। जब उनका बैतल माल बन सकता है तो हमारा बैतल माल भी बन सकता है, जहाँ से फंडिंग हम अपने गरीब लोगों के लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो आप उठें, अपनी कौम के लिए उठें, अपनी कौम के बच्चों के लिए उठें, ताकि अब नहीं करेंगे तो फिर हम कब करेंगे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस काम में आएं, हमारे इस मिशन का हिस्सा बने, ताकि हम इस मिशन को जो ना आगे बढ़ा सकें और बहुत सारी ऐसी जगहों पर जा सकें जहां पर अभी तक हम नहीं गए। और ज़्यादा से ज़्यादा हम स्कूल्स जो है ना, संडे स्कूल्स का और एजुकेशन स्कूल का जो ना इंतज़ाम कर सकें। तो हमें इसमें आपकी सख्त दुआओं की ज़रूरत है, आपके तावन की ज़रूरत है, आप हमारे साथ इस मिशन का हिस्सा बनिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगहों पर जाकर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ उनके लिए इंतज़ाम कर सकें। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपको खुदा बहुत बरकत दे आपकी इस अच्छी खिदमत के लिए, जो आप उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिनके पास कोई भी नहीं पहुंचता। तो खुदा आपको बरकत दे, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपकी सारी खिदमत को देख के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आओ बच्चों, आओ हम खुदा की गाओ। मैं साज बजाता हूँ, तुम भी साथ बजाओ। शाबाश शाबाश। इसी तरह जब आप गाते हैं खुदा के लिए तो आपके अंदर से ये आवाज आए कि आप खुदा के लिए खुशी कर रहे हैं। किस किस को पता है क्रिसमस आ रहा है? वाह। और किस किस को पता है कि बड़ा दिन आ रहा है? भाई ने जोरदार तालियां, भाई को पता है। जी पादरी साहब प्लीज। ऊंची लहर हो या तेज हवा, तू ही सुने मेरे दिल की दुआ, तू ही मेरे मेरे दिल की सदा। शाबाश। तू ही सुने मेरे दिल की सदा, चंग चिड़ी हो या तू ही मेरे छुपने की जगह। जोर से जोर से जोर से बोलो यीशु मसीह की। शाबाश, जोरदार तालियां बजाएंगे पारी साहब के लिए। सब बैठेंगे, तशरीफ रखें। शाबाश, बड़े प्यारे बच्चे हैं। और जैसे मैंने बताया था, एक हाथ का फासला रखना है इसे। खुदाए कदूस, बुजुर्ग बरतर आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हम सबों की ज़िंदगी में बख्श दिया। हम इस वक्त को देखने के लायक तो ना थे, लेकिन ये तेरी पितराना शफकत है जो तू हम पर जाहिर करता है। जलाल के बादशाह, शाह कायनात, हम बेहद शुक्रगुजार हैं इस वक्त के लिए खुदावंद, इस सारी मीटिंग के लिए खुदावंद, तेरे खादमीन के लिए जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, ताकि वो तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह की खुशियों को खुदावंद इन बच्चों के साथ सेलिब्रेट कर सके। मैं इस मिनिस्ट्री के बानी, चेयरमैन एंड फाउंडर
पास्टर चिराग रोशन साहब के बेहद शुक्र गुजार हूँ खुदावंद, तूने अपने बंदा को कायम किया ताकि खुदावंद इस टीम को वो निहायत हिकमत और फहम के साथ खुदावंद लीड कर रहे हैं। खुदावंद तू इन पर अपने और ज़्यादा मुकाशफात को आशकार करे खुदावंद, ताकि अपने साथ फैलोज को खुदावंद सही तरीके से तेरी खिदमत की तरफ रागब कर सके। जलाल के बादशाह आज के कलाम के लिए खुदावंद मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, इन जितने भी हाजिर यहाँ पर जमा है खुदावंद उनके दिलों को खुदावंद आप तैयार करें ताकि जब तेरे कलाम का बीज बोया जाए तो उनकी ज़िंदगियों में खुदावंद बहुत फल लेके आए जिससे खुदावंद तेरा जलाल जाहिर हो। खुदावंदों के खुदा हिकमत और फहम इन सब के लिए मैं तुझसे मांग लेता हूँ और तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में इस सारी दुआ को सुनिए कबूल कीजिए, आमीन। आज जो हम कलाम आप सुनेंगे वो है यूना नबी के बारे में। किसके बारे में? यहूना नहीं, यूना। क्या लफ्ज है? यूना। उसका पहला बाब, दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत को, और मैं समझा कि तेरे हुजूर से दूर हो गया हूं लेकिन मैं फिर तेरी मुकद्दस हैकल को देखूंगा। सब बोले आमीन, आमीन। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। एक दफा आंखें बंद करेंगे और अपने दिल पे हाथ रखेंगे और कहेंगे खुदावंद मुझे आज इस कलाम को समझने की बरकत दीजिए। सब अपना हाथ दिल पे रखेंगे। खुदावंद यीशु मसीह इन नमूने बच्चों के लिए बड़ों के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद कलाम का जो बीज बोया जाए वो 60 गुना 70 गुना बल्कि 100 गुना फल लाए। आपका शुक्र हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब बोलेंगे आमीन, आमीन। प्यारे बच्चों ये कहानी जो है ये बड़ी खास कहानी है यूना नबी के बारे में। किसके बारे में? अब खुदा उसको भेज रहा है नैनवा में। कौन से शहर में भेज रहा है? लेकिन वो चला जाता है तरसीस को। कहां चला जाता है? अब इसको थोड़ा सा आसान करते हैं कि खुदा उसको भेज रहा है आपने इस तरफ जाना है लेकिन वो चला जाता है इस तरफ उल्टी साइड पे। तो इस तरह फिर होता क्या है कि उस जिस जहाज में बैठता है वो जहाज थोड़ा सा जैसे ही दूर जाता है तो उस जहाज समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। क्या होता है? ओ भाई इधर देखो, मेरे तरफ देखो सारे। समंदर में क्या आ जाता है? और बड़ी तेज की आंधी चलती है। कैसे आंधी चलती है? जोर से। कैसे आंधी चलती? और साथ ही जो कश्ती है वो डगमगाने लगती है और जो उसके अंदर बैठे होते हैं वो कैसे करते हैं? आप नहीं कर रहे ये बच्चे जाए। कैसे जब तूफान आता है तो आप कुछ बच्चों ने सब करेंगे और साथ उसके पानी की आवाज बड़े शोर से आ रही है। समंदर में तूफान है, कश्ती हिल रही है और लोग जो उसके अंदर बैठे हैं कैसे गिर रहे हैं? और शोर हो रहा है, बड़ा शोर हो रहा है और जो यूना नबी है वो सो रहा है। क्या कर रहा है? सो रहा। कैसे सोते हैं? सब करेंगे ऐसे। बाजी आपने नहीं बोलना, उनको करने दें, आपने नहीं बोलना। कैसे सोते हैं बोलना आपने। किस किस का पापा खराटे लेता है? कोई खराटे मारता है आपका? किसी का पापा नहीं, मैं मारता हूं। कैसे करता हूं? करना आपने, कैसे करना? अब यूना जो है वो सो रहा है, कश्ती पानी से कभी इस तरफ हिल रही है, कभी इस तरफ हिल रही है और लोग जोर शोर कर रहे हैं जिसके अंदर बैठे हुए हैं और उसके अंदर सामान भी बहुत ज्यादा है। क्या है सामान? क्या होगा उसके अंदर? बहुत ज्यादा अनाज है, फिर लोहे की चीजें हैं, कुछ स्टील की चीजें हैं, कुछ खाने पीने वाली चीजें हैं और उसका वजन बहुत ज्यादा है। उसके अंदर वजन कितना ज्यादा है? अब इतने सब कुछ हो रहा है
और यूना नबी क्या कर रहा है? सो रहा है। और हर कोई दुआ कर रहा है कि खुदा हमसे ये मुश्किल टाल जाए। क्या हो हमसे, क्या हो हमसे, क्या हो, और दुआ कर रहे हैं। कैप्टन कहता है, जो उस जहाज का कैप्टन होता है वो कहता है कि सब दुआ करें। क्या करें? सब दुआ करें। क्या करें? अब उस जहाज में सिर्फ मसीही लोग ही नहीं थे, और मजाहिब के लोग भी थे। बहुत सारे जहाज में सिर्फ एक आदमी नहीं बैठता, उसमें बहुत ज्यादा लोग होते हैं। और उसने कहा, कैप्टन ने कहा कि जिस जिस खुदा को आप मानते हैं, जिसकी दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, आप उसको पुकारें। क्या करें? दुआ करें, जोर जोर से। अब दुआ करें, कैसे दुआ करते हैं? जोर से, अरे खुदा हमें बचा ले, खुदा हम बचा, हम डूब रहे हैं। दुआ बोले, आप ही नहीं बोलना है, कैसे दुआ करनी है? जोर से, जोर से, जोर से बोले, खुदा हमें बचा ले, हम डूब रहे हैं, खुदा हमें माफ कर दे। अपने अपने अंदाज में जो कोई किसी के दिल में बात थी कि उसका इकरार कर रहा है कि खुदा आज हमें बचा ले। और यूना नबी सो रहा है। एक आदमी देखता है और उसको कहता है, क्या कहता है? ओ भाई उठ, खड़ा हो, तू सो रहा है, तुझे पता नहीं जहाज डूब रहा है? आपको पता नहीं जहाज डूब रहा है? उठो, दुआ करो। शाबाश, दुआ करो, जहाज डूब रहा है। आप भी अपने खुदा से बात करें और देखें कि किस वजह से आज हम नुकसान उठा रहे हैं, हमारी जानें हम मरने के करीब हैं। अब उसको पता था कि यह सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अब वो कैप्टन से कहता है कि मुझे उठाओ, दो आदमी, दो मेरे बाजू पकड़े और दो मेरी टांगे पकड़े और मुझे समंदर में फेंक दो। क्या करें? कहां फेंकना है? किस किस ने समंदर देखा है? वाह, समंदर कैसा होता है? कितना सा, कितना होता है? बहुत बड़ा। और उसके अंदर मछलियां किस किस ने देखी हैं? खाई किस किस ने मछली? वाह शाबाश। तो मछलियां कैसे भागती हैं? कभी देखा भागते कैसे? ऐसे करना है सबने। जो जहाज का कैप्टन है वो उसको कहता है कि नहीं, हम ये काम नहीं कर सकते, आप एक जिंदा इंसान हैं और हम आपको जहाज में नहीं फेंक सकते, ये हम कभी नहीं करेंगे क्योंकि आप भी एक इंसान हैं। वो कहता है नहीं, ये जहाज पर जो मुश्किल आई है, ये परेशानी जो है, तूफान है, हम डूब रहे हैं, हमें ये मेरी वजह से है क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने खुदा के हुक्म की बरखिलाफी की है, मैंने खुदा की हुक्म अदूली की है, मैंने खुदा की बात नहीं मानी है, इसलिए ये सारा कुछ जो आप देख रहे हैं ये मेरी वजह से है। वो थोड़ा सा गौर करते हैं, लेकिन वो कहता है नहीं, आप मुझे समंदर के अंदर फेंक दें। और जैसे ही वो उसको समंदर के अंदर फेंकते हैं तो एक बड़ी मछली, कितनी बड़ी मछली, कितनी बड़ी मछली, बड़ी मछली उसका इंतजार कर रही है। कैसे? मुंह खोल के, सबने मुंह खोलना है। जैसे ही उसको समंदर में फेंकते हैं और सीधा वो मछली कैसे मुंह में जाता है और मछली के पेट में, कहां चला गया? यहां जो बड़ी खास बात है कि वो जब मछली के पेट में गया तो उसके जिस्म के हिस्से नहीं हुए। ये एक इंसानी फितरत, खुदा की कुदरत है कि जो चीज पेट में चली जाती है उसके पीस छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं और मेदा उसको हजम करता है और वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसको मछली ने खाया नहीं, बल्कि मछली 3 दिन का सफर तय करके वो जहां से भागा था फिर उसी शहर में उसको नैनवा शहर के किनारे पर ले जाती है। कहां ले जाती है? नैनवा शहर के किनारे पर। किस जगह पे? और जैसे ही वो मछली के पेट में जाता है तो तूफान थम जाता है। क्या होता है? कैसे थम जाता है? हवा भी रुक जाती है, पानी भी साकत हो जाता है, जहाज अपनी सिमत में चलना शुरू कर देता है। और 3 दिन के बाद जब वो नैनवा शहर के किनारे पर मछली उसको लेके आती है तो
मछली फिर अपने पेट से उसको बाहर निकालती है। जैसे ही मछली उसको बाहर निकालती है तो उसके जिस्म पर बहुत ज्यादा मछली के अज़ा लगे होते हैं खाने के, तो उसे स्मेल कैसी आती होगी? कभी आप मछली लेने गए, कौन कौन मछली लेने गया है, तो स्मेल किस किस्म की आती है? ऐसे कर, कैसे स्मेल आती है? बड़ी स्मेल आ रही, कैसे आ रही? बड़ी स्मेल आ रही। वो साफ करता अपने जिस्म को और फिर जैसे ही वो खड़ा होता है तो उसके सामने फिर वही शहर होता है जिससे वो भागा हुआ होता है। खुदा उसको नैनवा शहर में लेकर जाता है और फिर वो लोगों में मनादी करता है। क्या मनादी क्या करता है? कि तौबा करो। क्या करो? क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। क्या हो गया? अपने अपने गुनाहों से तौबा करो। जो आपने काम किए हैं बुरे हैं, खुदा की नजर में अच्छे नहीं हैं, आज मौका है कि तौबा कर लो, वरना खुदा इस शहर नैनवा को बर्बाद कर देगा। अब कुछ लोगों ने बात सुनी, कुछ ने नहीं सुनी। लोग समझते थे ऐसे ही ये बोल रहा है, ये वक्त गुजर जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, खुदा ऐसा नहीं करता। लेकिन हुआ क्या कि सब लोगों ने, बादशाह ने ऐलान करवा दिया कि सब लोग अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें और रोजा रखें। सबने रोजा रखा, टाट तोड़ा, अपने सर में खाक डाली और खुदा के आगे रोए, गिड़गिड़ाए कि खुदावंद हमें माफ कर, हमें बहाल कर, हमसे गलती हुई है, हमसे गुनाह हुआ है, जो हमने तेरे कलाम को नहीं सुना, नहीं गौर किया, नहीं पढ़ा, खुदावंद हमें बहाल कर। जैसे ही वो रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदा उनको माफ कर देता है। खुदा क्या कर देता है? इसी तरह यीशु मसीह भी हमें माफ करने के लिए आए हैं। यीशु मसीह किस लिए आए हैं? कि हमें माफ करें और हमारे गुनाहों से हमें आजाद करें। आमीन। यीशु मसीह किस लिए आए? कि हम नजात पाए। क्या करें? क्रिसमस का पैगाम यही है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं आया खोए हुए को ढूंढने के लिए आया हूं। कभी जो खो जाते हैं फिर यीशु मसीह उनको ढूंढता है। और यीशु मसीह ने एक मिसाल भी हमें बड़ी आसानी से सिखाई भी, भेड़ वाली, कि उसकी 100 भेड़े एक आदमी की होती हैं, एक गुम हो जाती है, वो 99 को छोड़कर सिर्फ एक को ढूंढना शुरू कर देता है। इसी तरह यीशु मसीह नैनवा का शहर जो है वो यीशु मसीह उससे मुसीबत को टाल देता है। आज अगर हम भी अपने अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो फिर ही हम यीशु मसीह के हकीकी इस क्रिसमस को मना सकेंगे। कौन कौन क्रिसमस मनाना चाहता है? वाह, यीशु मसीह हमारे खुशी का पैगाम लेकर आए हैं। किसका पैगाम लेकर आए हैं? किस किस का पैगाम लेकर आए हैं? खुशी का, इत्मीनान का, तसल्ली का। और हमारी जिंदगियां जो हैं वो यीशु मसीह के कलाम से मुनव्वर हो जाएं। किससे मुनव्वर हो जाएं? अजीजो, आज भी हमारे पास जिस तरह उस शहर को खुदा ने बचा लिया, खुदा मुझे और आपको भी बचाना चाहता है। हमारे पास मौका है कि अगर आप इस क्रिसमस पे, एक बड़ी खास बात और है कि अगर आपसे कोई, किसी खानदान से, बहन से, भाई से, बेटे से, माँ से कोई नाराजगी है तो उससे सुलह कर ले। यीशु मसीह का हकीकत में पैगाम जो है वो ये है कि सुलह हो। क्या हो? सुलह, सुलह का पैगाम। यीशु मसीह अमन का शहजादा है, वो सुलह का पैगाम लेकर आए हैं। और आज हमारे लिए भी यही पैगाम है कि हम एक दूसरे के साथ सुलह करें। आमीन। आंखें बंद करेंगे और दुआ करेंगे, सब आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, कुदूस, कुदूस, मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, आसमान जमीन के मालिक और खालिक हमारे खुदावंद खुदा, हम तेरी हजूरी में झुक जाते हैं, तुझे धन्यवाद कहते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं, तू जो हमारा कादर मुतलिक खुदावंद खुदा है, तेरा शुक्र हो तेरी दी हुई नियमतों के लिए, रहमतों के लिए, बख्शिशों के लिए खुदावंद खुदा तेरा शुक्र बजा लाते हैं। आज का कलाम खुदावंद खुदा जो इन बच्चों को, बड़ों को खुदा खुदा जिन जिन ने खुदा खुदा सुना है, वो खुदा खुदा उनकी जिंदगी में खुदा खुदा यीशु राजा वो बरकत पाए, खुदा खुदा वो एक बड़ा खुदा खुदा वो जड़ पकड़े और खुदा यीशु नासरी कदावर दरख्त बने और उनकी जिंदगी में मौजूद हों खुदा यीशु नासरी। और बाकी मांदा खुदा खुदा मीटिंग तेरे ही
यीशु नाम के हाथों में देते हैं। श्रृंखला हम सबको बड़ी बरकत और मेहरबानी हिफाजत करना के यीशु नाम के सिला से मांगते हैं। आमीन। और मिलकर कहेंगे, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र होना चाहिए, तेरी बात हो जाए, तेरी मौत जैसी अपना जो कोई कर जरूर कर दियो। हमारी ये छोटी आज दी और जिसके हमने अपनी कर्जों को माफ किए हैं, तो भी हमारे कर्ज में माफ कर हमें आज मशुल्ला बल्कि बुराई क्या जो बात की कुदरत और जलाल पादरी यशवा कलमाते बरकत देंगे। अब हमारे खुदा यीशु जी का फजल, साथियों की मोहब्बत और ताकत उठाकर आपसे लेकर हाजिर जमात और कुल मगर हुसैन के साथ और इस्राइल के साथ कहती रहे। आमीन। आमीन। आमीन।
जी नाज़रीन, आपने पास्टर मनीर मसीह खोखर साहब की सारी बातों को सुना कि किस तरह से वो अपनी खिदमत कर रहे हैं। यूनिवर्सल किंगडम हार्वेस्ट फेलोशिप मिनिस्ट्री भट्टा पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को फ्री तलीम, स्कूल बैग और संडे स्कूल का मटेरियल देते हैं। आप तमाम देखने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि इस मिनिस्ट्री को अपने हदियाजात, स्कूल बैग और स्टेशनरी की सूरत में दिए गए नंबर पर रब्ता करके पहुँचा सकते हैं ताकि आपकी डोनेशन ठीक और सही जगह पर खर्च हो सके। खुदा आपको बरकत दे। अभी मुझे और मेरे कैमरामैन तारक प्यारा को इजाज़त दें। थैंक यू।